देखो जब चेंसो एनिमे सीरीज के एपिसोड आने स्टार्ट हुए थे, एक एक करके एपिसोड आते थे, तब मैंने इसको इग्नोर किया था। मतलब मेरा मन था कि भैया इस सीरीज को मैं एक साथ देखूं, तब इसके सारे सीजन वन के जितने भी एपिसोड आ जाएं वो एक साथ देखूं, ताकि यार ऐसे इंटरेस्ट बीच बीच में ब्रेक ना हो। तो इसके एटलीस्ट सीजन वन के 13 एपिसोड हमारे सामने आते, और मैंने इसको 13 एपिसोड को एक साथ कंप्लीट कर लिया। मापा स्टूडियो ने इसको बनाया, तो डेफिनेटली आपको एनिमेशन की तरफ से तो कोई शिकायत नहीं होने वाली है। जब इस एनिमे सीरीज का पोस्टर रिलीज हुआ था, तो जिस तरीके की इमेज हमारे आई थी, तो मैं ये सोच रहा था यार इस तरीके का करेक्टर कैसे बनाया, और आखिर इसकी स्टोरी ये रखने क्या वाले हैं, मतलब ये सोच रहा था। और जब इसका सीजन वन रिलीज हो ही गया, अब स्टोरी पता चली गई है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक ऐसा समझो कि एक ऐसी दुनिया, यानी कि हमारी दुनिया है, जिसके अंदर मॉन्स्टर या डेविल भी रहते हैं। अब उनको हंट भी किया जाता है, मतलब उनका शिकार भी किया जाता है, कुछ लोग डेविल हंटर भी होते हैं। तो डेंजी उन्हीं में से एक है, मतलब एक पार्ट टाइम के तौर पर वो करते हैं। अब डेंजी के पास कुछ पावर ऐसी आती है कि वो चेनसो बनता है। वो कैसे बनता है, ये सारी चीजें हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगी। और जब वो चेनसो बनता है, तो उसके सामने क्या-क्या प्रॉब्लम आती हैं, ये सब चीजें इस सीरीज के अंदर दिखाई गई हैं। देखो सबसे एक जो चीज मुझे कमी लगी वो ये कि डेंजी का जो करैक्टर, उसके अंदर डेवलपमेंट कम है, या फिर कहूं कि उसका करैक्टर ही ऐसा है जिसके अंदर डेवलपमेंट की ही नहीं जानी चाहिए थी। मतलब आप उस करेक्टर को देखिए, उसकी थॉट प्रोसेस को आप देखिए, उसके गोल देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे गोल हैं, उसको क्या अचीव करना है। और जैसे आप उसके गोल सुनेंगे ना, या फिर जो वो अचीव करता है, वो काफी ज्यादा आपको हंसी आ जाएगी। डेंजी को एक टीम के अंदर, यानी कि जो डेविल हंटर जो एक टीम है, उसके अंदर इसको शामिल किया जाता है। उस टीम में कुछ अजीब और गरीब और भी करेक्टर्स होते हैं। जैसे आपने सुसाइड स्क्वाड करके एक सीरीज या मूवी देखी होगी, उसमें अलग अलग लोगों को डाल दिया जाता है एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, ठीक उसी प्रकार से इस टीम के अंदर भी, जो डेविल हंटर है, इस टीम के अंदर भी कुछ करेक्टर्स चुन चुन के डाल दिए जाते हैं, जो डेविल मतलब कि जो शैतान है, उनको हंट, उनका शिकार करना है। अब जो फाइटिंग सीक्वेंस इस सीरीज में 13 एपिसोड के अंदर जो मुझे देखने को मिले, यार वो मुझे इतने सेटिस्फेक्शन नहीं आया कि यार इतना मजा नहीं आ रहा है इस सीरीज के अंदर। हाँ, सीरीज में कहीं कहीं पर भी तो इंटरेस्ट ब्रेक हो रहा था, मतलब एकदम बिल्कुल सुनापन सा आता है। हाँ, डेफिनेटली सीरीज में कोशिश की गई है इसको हट के स्टोरी बनाने की, जो काफी ज्यादा अच्छी है। और साथ ही साथ जो जो भी जो डेविल हंटर्स, मतलब कि जो मॉन्स्टर्स हैं, उनके पास जो पावर है, वो भी अलग अलग तरीके के, जो काफी ज्यादा यूनिक है, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आया। मतलब जिस तरीके के इसके ऊपर वर्क किया गया है, इसकी स्टोरी के ऊपर, इसके करेक्टर के ऊपर, वो एकदम यूनिक है, वो डेफिनेटली आपको पसंद आने वाला है। लेकिन कुछ जगह तो स्टोरी ऐसी होती है कि आपको वो रिपीटेड लगेगी, आप उसमें बोर हो जाओगे। मतलब मेरे साथ तो ऐसा मैंने फील किया था कि यार यहां पर थोड़ा सा मजा जो है वो किरकिरा हो रहा है, इस चीज को बार बार लंबा खींचा जा रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसके जो भी अदर करेक्टर्स हैं इस सीरीज के अंदर, उन पे इतना ध्यान अभी नहीं दिया गया। मे बी इसका सेकंड सीजन आएगा, उनमें ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अभी सीजन वन के ऊपर तो मैं जितनी उम्मीद लगा के बैठा था, उतनी उम्मीदों पे तो ये खरा नहीं उतरा है। चाहे वो फाइटिंग सीक्वेंस की बात कर लो, चाहे वो करेक्टर डेवलपमेंट की बात कर लो, स्टोरी ठीक ठाक मुझे लगी। और अगर मैं इस सीरीज के एक एक एपिसोड देखता, यानी हर हफ्ते जैसे ये सीरीज रिलीज हो रही थी, इसका एक एक एपिसोड आ रहा था, अगर उस वक्त इसके एक एक एपिसोड देखने बैठता, तो मैं इतना कह सकता हूं कि यार शायद ही मैं इस सीरीज को कंप्लीट कर पाता, क्योंकि तब और ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो ब्रेक हो जाता। मतलब इतना इसमें मजा नहीं आता, एक साथ देखने में भी इतना मजा नहीं आ रहा था। अब एक एक करके देखते तो कहाँ से इस सीरीज को कंप्लीट कर पाते। ओवरऑल तो मैं यही कह सकता हूँ कि यार जितना वेट मैंने इस सीरीज का पोस्टर देख के किया था कि भैया ये सीरीज आएगी, इसमें अलग स्टोरी देखने को मिलेगी, डेफिनेटली अलग स्टोरी देखने को मिली। और एनिमे की यही चीजें मुझे पसंद आती हैं कि इसमें हर एक चीज आपको अलग ही देखने को मिलती, लेकिन उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं बन पाया, जिसके कारण मुझे काफी ज्यादा निराशा हुई। वरना एनिमे से तो मैं काफी ज्यादा उम्मीदें लगाता हूँ, और इस सीरीज ने वो उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। तो देखो मेरी तरफ से तो इसको मैं देना चाहूंगा 5.5/10। अगर आप लोगों ने एनिमे सीरीज देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। और अगर नहीं देखी है, तो आप एक यूनिक सी स्टोरी देखना चाह रहे हो, एक यूनिक सा करेक्टर देखना चाह रहे हो, तो एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतने रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।